जून 1990 की बात चल रही थी।
बच्चों को क्या करना चाहिए, नहीं तो फिर पिछाड़ी में फेल हो जाएंगे। बच्चे समझते हैं हम ही तत्वप्रधान थे, और नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तत्वप्रधान थे। जितने तत्वप्रधान थे उतने ही ऊंचे बनते हैं। और जो ऊंच बनते हैं उनको मेहनत भी जास्ती करनी पड़ेगी, याद में रहना पड़ेगा। ये तो समझते हो, बाकी थोड़ा समय है, थोड़े समय के बाद फिर सबके सुख के दिन आने वाले हैं। बरोबर हमारे अथाह सुख के दिन आने हैं। बाप एक ही बार आते हैं, सुखधाम खलास कर देते हैं और अपने सुखधाम ले जाते हैं। बाप सुखधाम ले जाते हैं या सुखधाम में भेज देते हैं? ले जाते हैं, भेजते नहीं है। पहले सुखधाम ले जाते हैं कि शांति धाम ले जाते हैं? पहले शांति धाम ले जाते हैं, फिर वहां से भेज देते हैं कि सुखधाम ले जाते हैं? भेज देते हैं, ले कहां जाते हैं? खुद तो शांति धाम में रह जाते हैं। शांति धाम में तो ले जाते हैं, लेकिन सुखधाम भेज देते हैं या ले जाते हैं? आधे लोग कहते हैं ले जाते हैं, आधे लोग कहते हैं भेज देते हैं। अगर ले जाते हैं तो सुखधाम में बाप को खुद भी जाना पड़े, अगर भेज देते हैं तो खुद शांति धाम में रहे और बच्चों को सुखधाम में भेज रहे हैं। बाप भेज देते हैं और प्रजापिता बाप जो सार मनुष्य मात्र का बाप है वो ले जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम ईश्वरीय परिवार में हैं। क्या इस्लामी परिवार क्रिश्चियन परिवार में नहीं है? कौन से परिवार में है? ईश्वरीय परिवार में। ये तुम बच्चे जानते हो क्यों? जो क्राइस्ट के बच्चे हैं वो परमात्मा के बच्चे नहीं है क्या? साकार में तो वो परमात्मा के बच्चे बनते ही नहीं है, उनको तो क्राइस्ट के बाद आना है। तो क्राइस्ट के परिवार के हुए या ईश्वर के परिवार के हुए? वो तो क्राइस्ट के परिवार के होंगे। और तुम सन्मुख आकर के बाप के ईश्वरीय परिवार के बनते हो, अभी ईश्वरीय परिवार के बनते हो, बाद में दैवी परिवार के बनेंगे। इस समय का गायन है, जब दैवी परिवार के बनेंगे, देवताई युग में जाएंगे, सतयुग में जाएंगे, वहां का कोई गायन नहीं है। शास्त्रों में गायन है ना, भक्ति मार्ग में पूजन होता है ना, वो कहाँ का पूजन होता है? इस समय संगम युग में जिसने जितनी पवित्रता को धारण किए है वो प्योरिटी उनकी पूजी जाती है। ये संगम युग ही पुरुषोत्तम ऊंच बनने का युग है।
पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम। पुरुष कितने हैं? पांच पांडव पुरुष और बाकी सब स्त्री हैं। जो भी आत्माएं हैं मनुष्य मात्र की आत्माएं उत्तम कर्म करती है तो देवता बन सकती है। भ्रष्ट कर्म करती है तो राक्षस बन सकती है। पूरी खा जाते हैं शरीर आराम करती है, सोती है, कहते हैं आत्मा, तब आराम करती है। शरीर रूपी पुरी में जो आराम करती है वो है असल में पुरुष और पुरुषों में उत्तम। अगर वे आराम ही महसूस करती है तो पुरुषोत्तम नहीं है। तो अभी तुम पुरुषोत्तम बनते हो। दुनिया में चाहे जितनी वे आरामी बढ़ती जाए लेकिन तुम आत्मा शांत स्वरूप में रहेंगी। तुमको कोई अशांत कर नहीं सकता। तुम्हारी आत्मिक स्थिति को कोई दुलायमान नहीं कर सकता। तो तुम पुरुषोत्तम ऊंच बनते हो। तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का पाप पढ़ाए रहे हैं। क्या कोई हद के पाप नहीं पढ़ाने वाले हमको? लौकिक दुनिया के पाप होते हैं जो शरीर का जन्म देते हैं वो तो है ही हद के। लेकिन जो बड़े बड़े धर्म पिताए हैं जिनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स होते हैं उनको अपने धर्म का बाप मानते हैं, धर्म पिता मानते हैं, ग्रेट फादर कहते हैं, वो भी हद के हैं। अभी नहीं है। आज की 500-700 करोड़ की दुनिया में क्राइस्ट के 150 करोड़ से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। वो भी हद का बाप है। बेहद का बाप कौन है? बेहद का बाप वो है जो मनुष्य मात्र का बाप है। चाहे वो क्रिश्चियन डिनेस्टी का हो, चाहे इस्लामी डिनेस्टी का हो, बौद्ध डिनेस्टी का हो, कोई भी धर्म का फॉलोअर हो, सबका बाप एक बाप है जिसे कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं उसे? आदिदेव शंकर। तुम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है, तुम पुराने से पुराने पुरुष हो। तुमसे पुराना कोई पुरुष नहीं है। सबसे पुराने से पुराना कौन है? जिससे पुराना इस दुनिया में कोई नहीं। कहते हैं शंकर ने है, कब जन्म लिया ये कोई नहीं बता सकता। तो पुराने से पुराना हुआ। उसका आदि कोई जान ही नहीं सकता। अब शंकर पुराने से पुराना है या शिव पुराने से पुराना है? शिव पुराने से
पुराण है ये तो ऐसा पुरानी और नई और अधूरी पुरानी दुनिया में आता ही नहीं है। उसके पुराने और नई होने की बात नहीं है। हाँ वो शिव जिस पुराने से पुराने पुरुष में प्रवेश करता है उसको अनादि पुरुष बनाता है। तो वो तुम जानते हो तुमको बेहद का बाप पढ़ाए गए जो 500 करोड़ का बाप है मनुष्य मात्र का बाप है। फिर आगे चल करके सन्यासी लोग भी ये बात मानेंगे क्या? अभी तो सन्यासी लोग इस बात को नहीं मानते क्या? ये पुराने से पुराना कौन है? वो तो अपने आदि शंकराचार्य को सबसे पुराना मानते हैं। लेकिन आगे चल करके जो शास्त्रों की अथॉरिटी बनकर के बैठे हैं वो भी मानेंगे कि ये जिनको प्रजापिता कहते हैं वो पुराने से पुराना है। वो समय भी आएगा। अभी तुम्हारा इतना प्रभाव नहीं निकल सकता। अभी क्यों नहीं निकल सकता? अभी तुम्हारा प्रभाव इतना क्यों नहीं निकल सकता? आगे चल के ये समय क्यों आएगा? क्योंकि अभी तुम्हारी राजाई स्थापन नहीं हुई है, तुम्हारी राजधानी स्थापन नहीं हुई है। जब तुम्हारी किंगडम स्थापन हो जाएगी, तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाएगी जिसमें इतनी प्योरिटी होगी, इतनी यूनिटी होगी कि दुनिया का कोई भी संगठन बड़े से बड़ा धर्म संप्रदाय वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकेगा। अभी टाइम पड़ा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आज भी आकर के समझेंगे क्या? अभी सन्यासी आते तो हैं, लेकिन बुलाने पर आते हैं क्या? अपने आने जाने का पूरा खर्चा लेते हैं, अपने ताम झाम का पूरा खर्चा लेते हैं बारात का, तब आते हैं। आगे चल करके ये भी नाक लटका देंगे और समझेंगे आकर की बात को। अपने फॉलोअर्स की परवाह भी नहीं करेंगे। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये उनकी बुद्धि में नहीं है, तुम्हारी बुद्धि में ये है, ये भी बच्चे जानते हैं। पवित्रता पर कितने विघ्न पड़ते हैं, आगे चल करके ये विघ्न बंद हो जाएंगे जब तुम विजयी हो जाएंगे। अभी तो देखो अपनाओं पर कितने अत्याचार हुए। द्रौपदी ने पुकारा है ना, हे भगवान हमारे लाज रखो, हम तुमका द्रौपदी हो। द्रौपदी मन जिनका ध्रुव पद है, निश्चित है कि नारी से लक्ष्मी जैसी नंबर वार बनने वाली है। तुम सब द्रौपदियां हो, सीताएं हो, पार्वतिया मन शीतल स्वभाव वाली, पार्वती मन अपनी पवित्रता की दृढ़ता से अपने पूरे परिवार को पार लगाने वाली, विषय वैतरणी में या विषय सागर की दुनिया में डुबोने वाली नहीं, पार ले जाने वाली।
शास्त्रों में तो देखो क्या क्या बातें लिख दिया। वरिष्ठवा में द्रौपदी को नमन किया। अब ऐसे कहीं होता है क्या? भक्ति मार्ग का धार देखो कितना बड़ा है। ज्ञान तो बहुत सहज है। बूढ़ी बूढ़ी अबलाएं माताएं बेसमझ है, अपन लोग भी इसको समझ सकते हैं। तब तो गायन है कि अबलाएं कुबजाएं भी बाप से बरसा पाए लेती है। ऐसे तो कलयुग के अंत में स्त्री जाति सारी ही अबला बन जाती है, बलहीन हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है। बाप आते हैं तो अबलाओं को सबला बनाते हैं, सेवा आते हैं तो सेवा शक्तियां बनाते हैं। ये अबलाएं भी उपजाएं भी याद में तो रह सकती है, और कोई ताकत नहीं है, कम से कम इतनी तो ताकत है। 6 जून 1990 की वाणी का दूसरा पेज। भगवान ने आकर के ये ज्ञान यज्ञ रचा है। कब रचा? आज से 70 साल पहले ये ज्ञान यज्ञ रचा। ज्ञान का तंत्र बुद्धि में डाल दिया। क्या अब ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति रची जानी है? शंकर द्वारा पुरानी शक्ति का विनाश होने वाला है, और विष्णु के द्वारा जो नया संगठन रूपी शक्ति बनेगी उसकी पालना होने वाली है। लेकिन इस ज्ञान यज्ञ में कितने विघ्न पड़ते हैं, शास्त्रों में दिखाया है कि असुर कचरा ला करके डालते थे, हड्डियां मांस डाल लेते थे यज्ञ में। अब हड्डी मांस की बात नहीं है, विकारी देह मान के संकल्पों का कचरा डालते हैं, विकारों का कचरा डालते हैं। अभी ये विघ्न पढ़ते रहते हैं। कन्याओं की जबरदस्ती शादी कराते हैं, नहीं तो अगर शादी नहीं करती है तो मार करके निकाल देते हैं। इसलिए पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। तो पतितों को पावन बनाने वाले के लिए जरूर रथ चाहिए। क्या रथ के बगैर क्या नहीं कर सकते? पतित को पावन नहीं बना सकते। क्यों? ब्रह्मा के रथ में आते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, ज्ञान सुना के चले जाते हैं, ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है। तो ज्ञान से पतित से पावन नहीं कर सकते क्या? ज्ञान सुन के पतितों को पावन नहीं बनाया जा सकता? शास्त्रों में तो लिखा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति नहीं होती। तो ब्रह्मा के द्वारा आकर के ज्ञान सुनाई दिया तो मुक्ति हो जानी चाहिए ना।
क्यों नहीं होती है? ब्रह्मा का रस रस नहीं था क्या? रस तो था, ब्रह्मा का रस तो था, लेकिन मुकर्रर रस नहीं था। क्या मुकर्रर का मतलब है? आदि से लेकर के अंत तक वो आत्मा निमित्त बनी हुई है, जिसके रस के द्वारा आदि भी होती है और इस ज्ञान एक का अंत भी होता है। जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। अंत का मतलब है मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ में जो भी मनुष्य आत्मा है सबका आकर के उद्धार करते, सबको नीचे से हरण करके उत्तम ने ऊपर ले जाते हैं, ऊंची स्टेज में ले जाते हैं, सब पति से पावन बनेंगे। उसके लिए रस जरूर चाहिए अंत तक, माना 500 करोड़ भी मनुष्य आत्मा भी अगर उसकी बुद्धि में ये न बैठे कि इस मुकर्रर रस के द्वारा भगवान कार्य करता है तो उसकी भी मुक्ति नहीं हो सकती, वो भी परम धाम वापस नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्या कारण है? क्योंकि आत्माएं जो है वो भोगी है, परमपिता परमात्मा अभोक्ता है। वो देह धारण करके सुख भोगने की आदि है। 500 करोड़ की जो मनुष्य आत्मा होगी वो तो अनेक देह धारण नहीं करती, एक ही जन्म होता है, तो उसको तो आत्मिक स्थिति में जल्दी स्थित हो जाना चाहिए। उसको इस तरह देहमान क्यों रहता है जो देह का आकार लेना पड़े, देहधारी का आधार लेना पड़े? उसको भी ज्ञान चाहिए, दृष्टि चाहिए, दृष्टि का कम से कम वाइब्रेशन चाहिए, और वो वाइब्रेशन मनुष्य के शरीर के द्वारा ही बनता है, और कीट पशु पक्षी पतंगे हैं वो वाइब्रेशन बनाने वाले नहीं है, मनुष्य वाइब्रेशन बनाता है और बिगाड़ता है। मनुष्यों में भी नंबर वन कोई देवकोटि की आत्मा है, कोई राक्षसी किस्म की आत्मा है। जो राक्षसी वृत्ति की आत्मा है वो तो वातावरण वायुमंडल बनाएगी या बिगाड़ेगी? तो बिगाड़ेगी। हाँ, देव कोटि की आत्माओं में भी जो ऊंचे से ऊंचे आत्मा है जिसे कहते हैं देव देव महादेव, उस महादेव के रथ में आकर के ईश्वर सारी शक्ति का उद्धार करता है। एक का उद्धार नहीं होता, सारी मनुष्य शक्ति का उद्धार हो जाता है। कम से कम एक जन्म के लिए सुख शांति 100% हर मनुष्य आपको मिलती है। तो पति पावन का टाइटल भी तब ही मिलता है
जब इस शक्ति की सब 500 करोड़ पति आत्माओं को आकर के पावन बनाए। कैसे पावन बनाए? कोई तरीका होगा? पति कैसे बने? सारी मनुष्य शक्ति देवताई शक्ति थी, शक्ति को त्रेता में नारायण और राम का राज्य था, उन देवताओं का राज्य खलास होकर के राक्षसी राज्य कैसे बन गए? जो ढेर की ढेर आत्माएं उतरती रही नीची नीची के क्या कैसा करेगी, उनके संग का रंग लगने से सब नीचे गिर गए। ऊपर उठा करके ले जाने की ताकत कोई भी नहीं रही। एक परमपिता परमात्मा ही है जो अभोक्ता है और सृष्टि में आकर के भोक्ता में प्रवेश करता है। एक है 100% भोक्ता और एक है 100% अभोक्ता। एक है 100% पतित और एक है 100% पावन। लेकिन इसका प्रूफ क्या कि वो 100% पावन ही नहीं एवर प्योर है? उसका प्रूफ रखा हुआ है मंदिरों में। जिन मंदिरों में शिव की पूजा होती है 24 घंटे देह के संसर्ग में दिखाया गया है, उसे कहते हैं जलाधारी। फिर भी उसे एवर प्योर कहा जाता है। इसका मतलब वो वाइब्रेशन से इतना सीखा है कि जिस रथ में प्रवेश करता है उस रथ में प्रवेश करके उसके वाइब्रेशन को दृष्टि को वृत्ति को ऊंचाई जिसमें प्रवेश करेगा उसको पहले ऊंचा उठाएगा या दूसरे ऊंचे उठ जाएंगे? ज्यादा संकरण किसको लगता है? जैसे ब्रह्मा चैतन्य में प्रवेश करते थे तो कहते थे पहले इनके कान सुनते हैं फिर तुम बच्चों के कान सुनते हैं। ऐसे ही पहला संघ का रंग जिसमें प्रवेश करता है उसे लगता है, लेकिन ऐसे नहीं है कि रामकृष्ण की आत्माओं में प्रवेश करता है तो उन रामकृष्ण की आत्माओं को संग का रंग नहीं लगता। प्रवेश करने मात्र से ही संग का रंग लगना बंद हो जाता है? नहीं, संग का रंग तो उनको भी लगता है, लेकिन शिव सुप्रीम सोल की प्रवेशता के कारण वो संग का रंग जल्दी छूट जाता है। उनकी याद की पावर, याद की रफ्तार इतनी तीखी हो जाती है संग के रंग से, तो जल्दी से जल्दी अपने संग के रंग को खत्म कर देते हैं। इसीलिए वो एवर प्योर गाया हुआ है। एवर प्योर कोई बिंदी की बात नहीं है, शरीर की यादगार है। जिस शरीर की रथ में वो एवर लास्टिंग अंत तक शक्ति पर रह करके शक्ति की 500 करोड़ भी आत्मा तक का उद्धार करने के लिए बांधा हुआ है। तो बताया उनको रथ जरूर चाहिए, जिस रथ में आकर के वो पतितों को पावन बनाता है।
कैसे कैसे पावन मनाता है। शरीर रूपी रथ में सबसे जाती संग का रंग लगाने वाला अंग कौन सा है? आंखें कहते हैं ना, आंखें बहुत धोखा देती है। जितना आंखें धोखा देती है उतना और कोई कर्मेंद्रिया धोखेबाज नहीं है। तो आंखों से ही दृष्टि से ही सारी सृष्टि का उद्धार करता है। मुख्य है आंखें, बाकी ऐसे नहीं है कि और कर्मेंद्रिया उनको आकर पति से पावन नहीं बनाता। याद में जो रहने वाली है वो अनुभव करती होंगी कि जिन दिनों याद ज्यादा तीखी हो जाती है उन दिनों इंद्रियों में शीतलता अनुभव करती। सिर्फ आंख की ही बात नहीं है, आंख तो ज्ञानेन्द्रिय है, एक इंद्रिय है जो व्यक्त इंद्रियों में भी सबसे निम्न कोटि की अतितम इंद्रिय मानी जाती है, ज्यादा सुखदायी कार्य करती है। वह भी शीतल होने लगती, इसलिए यादगार बनी हुई है शिवलिंग की स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, ताम्र लिंग, लौह लिंग, पत्थर का लिंग। सोमनाथ मंदिर बनाया गया था, तो लाल पत्थर में हीरा लगा हुआ, वो हीरा किसकी यादगार? शिव ज्योतिलिंग की यादगार। और वो पत्थर किसकी यादगार? प्रजापिता की यादगार, क्योंकि लाल रंग होता है रजो प्रधानता का सूचक। वो आत्मा भी तो आप युग में रजो प्रधान बन जाती। चुंबकीय आकर्षण से वो शिवलिंग अधर में लटका हुआ था, तो जो स्वर्ण लिंग है वो सच्चाई की यादगार है। वो सच्चाई जिसके कारण दुनिया में परमात्मा को एवर प्योर कहा जाता है, ऐसी उसकी स्टेज पर पहुंचने पर सारा संसार उस स्वरूप को मानने के लिए मजबूर हो जाता है। लिंग शरीरधारी की यादगार है, हाथ पांव नाक कान नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उस शरीरधारी को हाथ पांव नाक कान था ही नहीं, हाँ तो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, देखते हुए भी न देखता, कानों से सुनते हुए भी न सुनना। दुनिया में कितनी भी ग्लानी उड़ रही हो, कान सुन रहे हो, लेकिन कानों के ऊपर कोई असर ही न हो, तो जैसे कान होते हुए भी कानों से सुना सुना न सुना। आंख देखती है, ये कितने भ्रष्ट बच्चे हैं, बंदर से भी जास्ती बदतर है। उनको भी देखते हुए जैसे नहीं देखो, नहीं तो भ्रष्ट आदमी को देख करके गुस्सा आ जाता है,
दुखदायी आदमी को, ज्यादा पापी आदमी को देखने से उसका तन का रंग लग जाता है। तो इंद्रियां जैसे है और नहीं है बराबर हो गया, इसलिए उसको लिंगाकार दिखाया जाता है। देवताओं की तरह इंद्रियों की पूजा होती है, कमल नयन कहा जाता है, मुख कमल कहा जाता है, कमल हस्त कमल पाद कहा जाता है, लेकिन सेवक का लिंग ही पूजा जाता है। लिंग अर्थात वो शरीर जिसमें वो प्रवेश करता है, जिसकी निशानी है लिंग रूप। कोई कोई समझाने के लिए कोई कोई मूर्तिकारों ने लिंग मूर्तियों में नाक आंख कान भी बना दिए, लेकिन वो निराकारी तेज की यादगार नहीं है। निराकारी तेज को दिखाने के लिए सिर्फ लिंग दिखाया हुआ, वो बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग पूजा करने की सुविधा के लिए। पूजा तो शरीर की ही होती है, आत्मा बिंदु को तो सिर्फ याद किया जा सकता है, वो भी प्रत्येक मनुष्य आत्मा जिस बिंदु को याद नहीं कर सकती सदा का, क्योंकि देह के सुख भोगने के आदि है आत्मा। इसलिए जब मैं रथ में आता हूं तो सारी शक्ति को संग का रंग लगाता हूं, कम से कम टेलीविजन में तो साफ देखेंगे, अखबारों में तो साफ देखेंगे, पढ़ेंगे, रेडियो में सुनेंगे, तो इंद्रियों का संसर्ग तो होगा ना सुनने में देखने में, वो भी पति से पावन बन जाते, उनको भी एवर प्योर का वाइब्रेशन खींच लेगा। तो रख जरूर चाहिए जिसमें आकर के पावन बना दे, आकर के पावन बना दे, या रथ में आकर के फिर चले जाए फिर पावन बना दे, आकर के पावन बना दे। वो तथागत ब्राह्मण क्या समझते हैं? हाँ, वो आया ज्ञान सुना के चला गया, आप पति से पावन हम अपने आप बन गए, या हम बनाने वाले हैं, हम पति से पावन बन गए, हमको बाबा ने आकर के राजाई बरते बरते में दे दी, और आप दूसरों को हम पावन बनाने वाले हैं, आओ हमसे दृष्टि लो अपनी शक्ति सुधारो। अब पति सृष्टि को पावन कौन बना देगा? इस पति सृष्टि में तो सब पति सृष्टि वाले हैं, एक भी ऐसा नहीं है जिसकी दृष्टि चलायमान ना होती हो, एक शिव ही है इस सृष्टि पर आने वाला, ऐसी आत्मा है सूर्या जो कभी पतित नहीं बनती, उसकी दृष्टि अपवित्र नहीं बन सकती। 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं भले उससे दृष्टि लेती हैं और वो सार को दृष्टि का दान देता है, प्रब के प्रति उसकी कृपा दृष्टि का अनुभव होता है, लेकिन वो किसी की दृष्टि से प्रभावित होने वाला नहीं है। लोग समझते हैं पतित पावनी गंगा है, अब पानी की गंगा की तो बात ही नहीं, ये तो बच्चों की बुद्धि में बैठ गया कि पानी की गंगा
आत्मा को थोड़ी पावर बना दी। कौन सी गंगा पावर बनाने की बात है? ज्ञान गंगा की बात है। तो ज्ञान गंगाएं कन्या माताएं बनती हैं। जिन कन्या माताओं को वो अपनी रहबरी में लेकर के उनको पावन बनाता है, वो सारी शक्ति का उद्धार कर सकती है। इसलिए बोला है गंगा पतित पावन, और नदियों का उतना गायन नहीं किया। किसका गायन है? गंगा का। ज्यादा यमुना का भी उतना गायन नहीं है, यमुना भी पतित पावन। सरस्वती तो देखने में नहीं आती, बीच में लोग कोई दिखाई, गंगा का गायन। उसके लिए बोला है ज्ञान गंगाएं निकलती है पिछाड़ी में। यज्ञ के आज में न मध्य में कब अंत में निकलते। क्यों अंत में क्यों निकलती? आज में और मध्य में क्यों नहीं प्रत्यक्ष होती? कोई तो कारण होगा। ये हम आज में ही प्रत्यक्ष हो जाती है। और गंगा बाद में प्रत्यक्ष होती है। क्या कारण? होता तो है, लेकिन गंगाएं बाद में प्रत्यक्ष क्यों होती? यमुना पहले प्रत्यक्ष क्यों हो जाती? यमुना का जल और मिट्टी कैसे रंग की दिखाते हैं? काली रंग। माने ऐसी कन्याएं माताएं हैं वो इस कैटेगरी की है जो देह अभिमानी की मिट्टी से चिपक जाती है। क्या? जिनके भी संग के रंग में आ रहेंगी उनको देह अभिमान का संग का रंग जाती लगेगा, ज्ञान का रंग कम लगेगा। लेकिन वो ऐसी शक्तियां हैं जो भगवान बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाती है। बाप स्वदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष होता है या विदेशियों द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त कौन बनते हैं? विदेशियों में पहला पहला विदेशी कौन है? इस्लाम धर्म। सबसे जाती देहभान का धर्म इस्लाम धर्म। तो उस धर्म में जो फाउंडेशन डालने वाली शक्ति है वो है यमुना। बुद्धि के बहुत तीखे होते हैं। क्या? विधर्मी है वो बुद्धि के बहुत तीखे होते हैं, लेकिन दिल दिल नहीं होता है। इसलिए उनमें अनेक शादियां करने की परंपरा पड़ी हुई है। दिल इतना मजबूत नहीं है जो एक के ऊपर टिक करके रहे सारा जीवन, एक के साथ निर्वाह कर सके। बुद्धि तीखी। इधर बाप कहते हैं मैं तो बुद्धिमानों की बुद्धि हूं, मैं बुद्धिमानों को पसंद नहीं करता,
इसको पसंद करता हूँ, दिल वाले बच्चों को पसंद करता हूँ। तो जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो बाप को बुद्धि की तीक्ष्णता के कारण पहचान तो लेते हैं, लेकिन प्योरिटी की पावर न होने के कारण अंत तक साथ नहीं निभा पाते। इसलिए प्रत्यक्षता हुई हुई न हुई बराबर हो जाती, निमित्त भी बनते हैं प्रत्यक्ष करने के और फिर ग्लानी करने के भी निमित्त बन जाते। उनकी जन्मदात्री कौन है? यमुना। इसलिए इस्लामियों में जो स्त्रियां होती हैं वो क्या पहनती हुई दिखाई जाती है? कैसे रंग का होता है? काले रंग का होता है। माने देह का भान जो है वो इतना तामसी रूप धारण कर लेता है कि पूरा ही काला हो जाता है। यमुना भी काले जल वाली है, काली मिट्टी वाली है, और गंगा गंगा की मिट्टी ऐसी है चाहे जितने भी शरीर से थोक लो और एक डुबकी लगाई और सारी मिट्टी खराब हो जाती। तो मिट्टी मिट्टी में फर्क हो गया था। कोई पूछ लंगूर की होती है, देह हनुमान की पूछ कही जाती है, और कोई पूछ मोर की होती है, मोर की पूछ देवताओं के मस्तक में लगाई जाती है, और लंगूर की पूछ इतने कड़े देहवान वाली होती है तो मनुष्य पिछाड़ी लगती कि जो डाली होती है ना उस डाली में लंगूर अपनी पूछ का थोड़ा हिस्सा लटका देगा और पूरा नीचे लटक जाएगा, इतनी पावरफुल होती है। मोर की पूंछ में इतनी सुंदरता कि आज भारत में पूंछ के कारण ही मोर राष्ट्रीय पक्षी के रूप में माना जाता है। हमारे राष्ट्र का, भारत देश का राष्ट्रीय पक्षी कौन? मोर। कोई कारण होगा, क्या कारण है? वो प्योरिटी ऐसी धारण करने वाला है, ऐसी पवित्रता जो संगत भी कृष्ण ने धारण की है वो संसार में कोई ने धारण नहीं कर पाई। देवान तो है, ऐसे नहीं देवान नहीं है, इंद्रियां तो है, ऐसे नहीं कि इंद्रियां नहीं है, लेकिन इंद्रियों में प्योरिटी भरी हुई है, ऐसी पवित्रता भरी हुई है जो न खुद पतित बनता है, पतन शक्ति का होता है, और न उस पावर से संगी साथी की शक्ति का पतन होने देता है। ऐसे वाइब्रेशन देखने वाली भगवान राम को बंदरों की सेना दिखाई दी, उन बंदरों में लाल मुंह वाले होते हैं या काले मुंह वाले होते हैं? लाल मुंह वाले। जामन तो रीच था, बंदर नहीं था, बंदर भांत भांत के होते, एक किस्म के नहीं होते। तो ये एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माएं हैं वो भी भांति भांति की है, जैसे सन्यासी एक किस्म के नहीं होते, भांति भांति के सन्यासी होते हैं, कोई सफेद कपड़े वाले, कोई पीले कपड़े वाले, कोई लाल कपड़े वाले, कोई काले कपड़े वाले भी सन्यासी होते हैं। ऐसे ही ये राम की सेना में बंदर भी भांति भांति के हैं, हर धर्म की बीज रूप आत्माएं हैं।
इन बंदरों को मंदिर लायक किसी जन्म में बना के जाता है। इसलिए रामायण में दिखाते हैं जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली तो बंदरों को नए नए कपड़े दिए पहनने के लिए। कौन सा कपड़ा है? शरीर रूपी वस्त्र है। जो कंचन काया हो जाता है तो नया वस्त्र हो जाता है, देवता ही शरीर हो जाता है। ऐसा देवी शरीर हो जाता है जो राधा कृष्ण जैसे बच्चों को भी जन्म देने के निमित्त बनता है। तो कितना पतित से पावन बनाते हैं। कोई गंगा का पानी या यमुना का पानी पतितों को पावन नहीं बनाता है। गंगा के लिए गायन है पतित पावनी। क्यों गायन है? जरूर भगवान के कार्य में सहयोगी बनी होगी। जितना और नदियां उतनी सहयोगी नहीं बनी होगी, थोड़ा बहुत सहयोग दिया फिर विपरीत बुद्धि बन गई। और गंगा ने जब सहयोगी बनती है, एक बार पूरी अर्पण हो जाती है तो अंत तक साथ निभाने वाली। डॉक्टर परिवार में भी ऐसे होता है, कोई बाप बच्चों से बहुत प्यार करता है, बहुत प्यारा बच्चा होता है तो प्यार में आकर उसको सर पे चढ़ा लेता है। ऐसे ही प्यार होने का कारण क्या हुआ? बाप कौन से बच्चों को याद करते हैं? कौन से बच्चों को ज्यादा प्यार करते हैं? जो बहुत सेवादारी होती। तो नदियां तो सब है, विदेश की नदियां भी होती हैं, उनमें कोई स्नान करने नहीं जाता। किसी ने सुना अमेरिका में जाकर कोई अमेजन नदी में स्नान करके आया? मिसिसिपी नदी में स्नान करके आया? नहीं। ये भक्ति मार्ग में भारतीय नदियों का ही क्यों गायन है? क्योंकि जल नदियों की बात नहीं है, उनकी नदियों की बात है, चैतन्य नदियों की बात है। जो विदेशी चैतन्य कन्याएं माताएं हैं वो अनेकों के साथ खतमरती है, उतनी प्योरिटी धारण नहीं कर पाती। और भारत की कन्या माताएं, उनके लिए तो एक पति का दायन है कि वो ही श्रेष्ठ है। यहाँ डाइवोर्स की प्रथा नहीं चलती है। ये तो अभी आखिरी वर्षों में विदेशियों से प्रभावित होने के कारण भारतवासी ऐसे बन गए। नहीं, यहाँ तो बहुत पवित्रता, इतनी पवित्रता थी कि विदेशी जब आक्रमण करते थे तो जहां देखा कि हमारे राज्य की सेना हारने वाली है तो जो भी राज्य की कन्याएं माताएं होती थी वो सारी इकट्ठी होकर के जौहर कर देती थी आग में। क्यों करती थी? आग में अपने शरीर को क्यों जला देती थी? क्योंकि विदेशी हमारे शरीर को हाथ न लगा पाए, इतनी पवित्रता का पालन करती थी। अभी कलयुग के अंत में आकर के विदेशियों का प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है, उनकी शिक्षा इतना विस्तार को पा जाती है भारत में कि बाबा ने नाम दे दिया उस शिक्षा का। जो विदेशी शिक्षा भारत में आ गई है उसका नाम क्या दिया? उस पढ़ाई का नाम क्या दिया? डॉक्टरी पढ़ाई। बाबा अगर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो है गॉडली पढ़ाई, और जो विदेशी शिक्षा भारत में फैली हुई है
देश विदेश में फैली हुई है उसका नाम दिया डॉगली पढ़ाई। डॉगली डॉग पढ़ाई पढ़ाएगा तो क्या बनाएगा? कुत्ता कुतिया ही बनाएगा ना। तो वो हो गई कुत्ता कुतिया बनाने वाली पढ़ाई। अब ये है गॉडली पढ़ाई। गॉड आवेंगे तो गॉड गॉडेस बना देंगे। गॉड गॉडेस बने देवी और देवता बनाते। तो पलकता का ताज पहनाते हैं, डबल ताजधारी बनाते हैं। अभी जो जितना जिम्मेवारी को धारण करें, कौन सी जिम्मेवारी? पवित्रता का ताज पहनने की जिम्मेवारी। क्योंकि सेवादारी भी अगली बोली नहीं सकेंगे जिन्होंने जितनी जाति पवित्रता को धारण किया होगा। देवियां तो अनेक प्रकार की होती हैं। गंगा भी देवी कही जाती है, यमुना भी देवी कही जाती है, सरस्वती भी देवी कही जाती है, महाकाली भी देवी कही जाती है और वैष्णवी भी देवी कही जाती है। लेकिन सब देवियों में क्या एक जैसी प्योरिटी है? एक जैसी प्योरिटी को धारण करने वाली है? नहीं। नंबर वार पर तो जितनी जास्ती प्योरिटी की पावर उतनी जास्ती निमित्त बनती है संसार का उद्धार करने के लिए। तो उनको टाइटल भी मिलता है। ऐसा टाइटल भी हुए सरस्वती जगदम्बा। तो लास्ट में महाकाली का रूप धारण करती है और वैष्णवी देवी, वैष्णवी शक्ति। अंतर क्या है? अद्वैत वाणी में बोला विजय माला का आवाहन करो। क्यों? जब तक वो जगदम्बा का पाठ चल रहा है विजय माला का आवाहन क्यों करो? है क्योंकि जगदम्बा ज्ञान का कलश धारण करती है बाएं हाथ में। लक्ष्मी के दो हाथ दिखाए जाते हैं मां लक्ष्मी के, उनमें बाएं हाथ में कलश धारण किया हुआ दिखाया गया है। बुद्धि ने ज्ञान को धारण कर लिया है लेकिन बुद्धि ऐसी पवित्र नहीं बन पाती जो सारे संसार का कल्याण करने के निमित्त बन सके, दूसरों को ज्ञान दान दे सके। ज्ञान हो किसी के अंदर और दूसरों को ज्ञान देने के निमित्त न बने तो शून्य का धन हो गया ना। इसलिए जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है, सारी जगत की अम्बा, असुरों की भी अम्बा और देवताओं की भी अम्बा। दुनिया में संख्या जाती किसकी है? असुरों की संख्या जाती होती है या देवताओं की संख्या जाती होती है? वास्तव में देव आत्मा होती है 10 करोड़ सत्य उतरे तन और बाकी सब 10 करोड़ कम 500 करोड़ वो सब क्या हो गए? असुर हो गए। तो इतने बच्चों की पालना करने वाली जगदम्बा उसको संघ का रंग जाति किसका लगेगा? असुरों का संघ का रंग जाति लगता है। इसलिए वो है जगदम्बा, वो भी पूजी जाती है। उसको दुर्गा दुर्गा कहा जाता है, दुर्गों को दूर करने वाली। क्या
अभी तक दुर्गुण दूर हुए हैं क्या ब्राह्मण परिवार में? दूर हुए हैं कि और ही बढ़ते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। दुर्गा जब महाकाली का रूप धारण करती है तो जो बड़े बड़े असुर हैं वो अपने दुर्गुणों को त्यागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए दुर्गा का भी गायन है, भले पवित्रता की देवी के रूप में जितनी वैसे भी कोई पूजी जाती है उतनी दुर्गा नहीं मानी जाती। इसलिए जब मेला दिखाते हैं तो मेला किसका ज्यादा दिखाया जाता है? वैष्णो देवी का मेला दिखाया जाता है। ऐसे नहीं तो उस वैष्णो देवी में जगदम्बा कमाई हुई नहीं है, दोनों का मेल है। ऐसे नहीं कि विष्णु देवता में ब्रह्मा कमाया हुआ नहीं है, ब्रह्मा तो क्या बन जाता है? वो भी विष्णु जैसा बन जाता है। अब ब्रह्मा कहो बड़ी माँ कहो, ब्रह्म बड़ी माँ, माँ बड़ी माँ, संसार की बड़ी से बड़ी माँ जगदम्बा। ये वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, मुरली में बोला तो दाढ़ी मूंछ वाले ब्रह्मा के लिए ऐसे क्यों बोल दिया कि वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है? ब्रह्मा कैसे जगदम्बा है? वो तो दाढ़ी मूंछ वाला है, प्रवेश करते हैं क्योंकि वही ब्रह्मा शरीर छोड़ने के बाद कोई माता में प्रवेश करता है और प्रवेश करके जगदम्बा का पाठ बजाता है। इसलिए जगदम्बा के रूप में पूजा वो आपको ब्रह्मा के रूप में असली पाठ जो है बड़े से बड़ी माँ का पाठ तब ही तो गाया जाए जब बड़े से बड़ी सहन शक्ति को धारण किया हो। तो बड़े से बड़ी सहन शक्ति जो है वो शरीर रूपी डब्बा धारण करता है या ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाला जो दिखाया गया वो सहन शक्ति का रूप बनता है? सहन शक्ति को धारण करने वाला रूप कौन सा है? ब्रह्मा। तो वो ब्रह्मा की चोर जगदम्बा में प्रवेश करती है। वो जगदम्बा हो गया जैसे डब्बा शरीर रूपी रस है और उसमें जो कार्य करने वाली आत्मा है वो ब्रह्मा की कार्य करती है। तो वो है जगदम्बा माना सारे जगत की मां, जगत माता। आज की दुनिया में प्रतियोगिताएं रखते हैं देश विदेश में, तो टाइटल देते हैं मिस वर्ल्ड। एक और टाइटल लेते हैं मिस इंडिया, टाइटल मिलते हैं ना। मुरली में भी बोला है मिस इंडिया नाम है टाइटल है तो विदेशों में धक्के क्यों खाती है? मिस इंडिया को तो फिर इंडिया की सेवा करनी चाहिए। तो किसको काम तुम्हारा है? अरे बाबा जब कुछ बोलते हैं तो बच्चों के लिए बोलते हैं या दुनिया वालों के लिए बोलते हैं? बच्चों में कोई है मिस इंडिया जिस इंडिया की तरफ इशारा दे दिया क्या कि पहले भारतवासियों की सेवा करनी है या विदेशियों की सेवा करनी है? पहले किसकी सेवा करनी है? भारतवासियों। इसलिए बोला है खास भारतवासी बच्चों को अगर तुम्हारे में कि विजयमाला का आवाहन करो। क्या विजयमाला का आवाहन करना माना कोई मक्खियों का छत्ता है शहर की मक्खियों का और उसका आवाहन करना है तो शहर तरीका क्या है? रानी मक्खी को पकड़ के ले आओ उसको खींच लो तो सारी मक्खियां जैसे बोला है पहली अभ्यक्तवाणी
भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है क्या? अभी का नारा नहीं है, अभी शिव की शक्तियां कोई नहीं दिखाई पड़ती है, सब भक्तियां दिखाई पड़ती है, सबसे कमजोरी दिखाई पड़ रही है। अंत में ऐसा भी होगा क्या, एक रानी मक्खी निकलेगी तो इतनी पावरफुल होगी तो उसके पीछे पीछे सारा ही झाड़ जाएगा और पटक चुका हो जाएगी। इसलिए इशारा किया अभी कुछ ही दिन पहले चलाई थी मुरली की व्याख्या में इशारा दे दिया, मुरली में ही यह शब्द आ गया, वाक्य आ गया कि सच्ची गीता से एक सेकंड में स्वर्ग बनता है और झूठी गीता से ढाई हजार वर्ष में क्या बनता है, नर्क बन जाती है। तो गीताएं दो हो गई, एक मनुष्यों की बनाई हुई गीता और एक भगवान की बनाई हुई गीता। शिव की गीता से स्वर्ग और मनुष्य गुरुओं की बनाई हुई गीता से नरक स्थापन हो जाता है।